गुड मॉर्निंग गाइस, नहीं गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के ऑलमोस्ट बज चुके हैं 12:15 एंड अभी मैं हूँ अंकलेश्वर। बार बारिश देखो और ये नज़ारा है, बाहर जाते हैं अभी क्योंकि बहुत टाइम से गाड़ी में बैठा हूँ। फिलहाल तुम लोग फैक्ट्री में आया है एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो पूरा बहुत बड़ा यूनिट है भाई, इसके पीछे भी बहुत 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 दूर तक इन लोग की फैक्ट्री है और ये पूरा इन लोग का ही है। ये देखो अपनी गाड़ी की हालत देखो भाई कैसी हो गई है, पूरी मिट्टी मिट्टी से भरी हुई है। इतनी भी नहीं है क्योंकि मैंने गाड़ी एक्चुअली कल साफ़ करवाई थी भरूच में एंड थोड़ा सा आज वापस ख़राब हो गया है गाड़ी। एक्चुअली 28th को ना मेरी बेटी का बर्थडे था तो मैं नहीं आया था ट्रिप पे। ये एक्चुअली ट्रिप था फ्रॉम 19, 20, 21, 22, 23, 24, वो मुंबई से था ऑल द वे टिल अहमदाबाद। अब इसमें ऐसा हुआ था कि मैंने क्लाइंट से कहा, तो क्लाइंट ने कहा ऐसे भी मेरे को 19 को भी निकलना नहीं है, इट इज़ पोस्टपोन टू 20 तारीख को हम लोग निकले गए। तो एक काम करो आप है ना 20 तारीख को ऋषि को भेजो मॉर्निंग को, बिकॉज इवनिंग को मेरे घर पर पार्टी था, बच्चे का सेलिब्रेशन था बर्थडे का। तो मैंने ऋषि को कार देके भेजा मॉर्निंग को 5:30, वो मेरे घर से निकला था, क्लाइंट को पिकअप किया नहीं वेन टू वर्ड्स वापी। वापी पहुँचने के लिए ना उसको दोपहर के 3 बज गए, मतलब जस्ट टू क्रॉस 150 किलोमीटर्स उसको ऑलमोस्ट 8-9 घंटे लग गए भाई एंड ही वॉज सो डैम फ्रस्ट्रेटेड। कस्टमर भी भाई इतने कंटाल गए थे ना, बिकॉज इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था मैं, हमको लगा 2-3 घंटे का जाम मिलेगा, बट वो बहुत ख़राब रास्ता हो गया, बहुत ख़राब। मतलब बहुत लोग इस बात पे वीडियो बना रहे कि मुंबई गुजरात हाईवे को जो रस्ते पे काम चालू कर रहे ना सीमेंटिंग रोड, वो बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है एंड बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब हो चुका है भाई। यहाँ पे ना ट्रक्स पे ट्रक्स चल रही है टायर भर भर के, वहाँ पे भी है टायर्स का दिख रहा है कि नहीं पूरा, मतलब ऐसे कोने पर टायर्स बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के गाड़ी के बहुत सारे भाई। हाँ तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ऋषि पहुँचा 3 बजे एंड फिर वो क्लाइंट को जब उनकी मीटिंग थी वापी में वो सब किया, 6 बजे तक उसे चेक इन कर लिया था क्लाइंट ने मेरे लिए, पूरा रूम वूम सब बुक करके रखा था। तो ऋषि को वहीं पे चेक इन करवा लिया। मैंने रात का ट्रेन लिया था 12:20 का फ्रॉम बोरीवली टू वापी, मैं पहुँच गया 2:20 को, ऋषि कार लेकर वहाँ पे आया था एंड फिर ऋषि की ट्रेन थी 3:30 को एंड वो मुंबई पहुँच गया 6:30 बजे आई गेस। तो फिर वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया कल हम लोग वहाँ से निकले थे, वी वेंट टू अतुल के बाद हम लोग गए टर्री टू भरूच में स्टे था। फिर आज सुबह को मैंने वहाँ से चेकआउट किया था होटल जिंजर में रुका था मैं, बट वो होटल इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ से निकलने के बाद मैं आया हूँ अभी फ़िलहाल अंकलेश्वर में। क्लाइंट एक्चुअली वहाँ पे अंदर गए हैं, उनकी फैक्ट्री विजिट है तो कुछ काम के लिए गए हैं, जो भी है वो करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले गए टूवर्ड्स बड़ौदा। और विशाल भाई जो हमारे मित्र है, सब्सक्राइबर भी है, पहले सब्सक्राइबर थे अभी मित्र है, ठीक है, पार्ट ऑफ माय फैमिली, वो मुझे बोल रहे थे कि भाई बड़ौदा में बारिश बहुत जोरों शोरों से हो रही है वहाँ पे एंड आप आओ रात को मज़ा आएगा। तो आज रात को मेरा स्टे वहीं पे है, हैम्पटन करके है बाय हिल्टन होटल उनका एक है, तो रात को मैं वहाँ पे रुकने वाला हूँ भाई। ये है ना एक्चुअली दिस पार्ट ये पानी भर गया है, लेकिन यहाँ पे पानी भरता नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रोड ओनली, ऐसा मुझे एक बंदा भी बोलना सिक्योरिटी गार्ड आके बोल के गया था। तो मतलब जब मैं गाड़ी यहाँ पे पार्क करा था ना तभी मुझे बोला था कि भाई आप कुछ भी करो ना लेकिन वहाँ पे जाना मत चल के बल के, है एक्चुअली वो रास्ता ही ठीक है लेकिन वो इतना कीचड़ बिछड़ा भी पानी हो गया ना भाई, आप अंदर अटक सकते हो। तो बट वैसे वहाँ पे कौन जाएगा। देखो अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ौदा एंड ये होटल है हैम्पटन बाय हिल्टन। तो अभी हम जाते हैं अंदर चेक इन करते हैं। तो फिलहाल ना मैं अपना वन प्लस का चार्जर लाना भूल गया हूँ, तो पावर बैंक एंड ये कॉर्ड लेके जाता हूँ, बाकी लैपटॉप है लैपटॉप से चार्ज करूँगा पावर बैंक को, पावर बैंक से चार्ज करूँगा अपने मोबाइल को। सो भाई ऑलमोस्ट कितने बज गए, 4:30 एंड आई हैव रीच माई रूम। फिलहाल तो भाई ये सेकंड टाइम है ये होटल में मैं आया हूँ, माई रूम बहुत सही है, बाथरूम तो भाई बहुत मतलब देखो इतना स्पेशियस बाथरूम मैंने यार मस्त है भाई। तो फिलहाल तो अभी प्लान ऐसा है कि मैंने विशाल भाई को फ़ोन किया था बट विशाल भाई ने फ़ोन उठाया नहीं है, तो शायद ऑफिस में अभी है, मतलब तो बिजी रह गए या गर्लफ्रेंड के साथ हो गए तो बिजी हो गए। एनीवेज मौसम इतना अच्छा है तो यू नो मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ। खुले का कहाँ से पड़ता भाई, पूरा एक ही पीस है क्या, अरे बहुत मगज मारी है, छोड़ो यार कौन इसको करेगा। तो एनीवेज गाइस अभी 7:30 को आई हैव टू रीच बैक टू द लोकेशन, सर की लोकेशन पे जाना है क्योंकि उसके बाद हम लोग जाएंगे रात को डिनर करने के लिए। आई गेस मुझे ऐसा पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर शायद फ़ोन करके बोलेंगे कि हम लोग आज बाहर नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए एंड आप आराम करो, मुझे ऐसा लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर।
अभी 2 घंटे अपने पास है, आराम करेंगे, सो जाऊंगा मैं तो भाई। फिलहाल तो बूट निकाल लेते हैं एंड यहाँ पे अपना बैगेज का भाई। टाइम ऑलमोस्ट आई गेस 6:45 हो चुका है या 6:50 है, आई एम श्योर। विजय भाई का फोन आया था एंड वो नीचे वेट कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए, तो अभी जाता हूँ वहाँ पे बिकॉज 7:30 को अगेन मुझे इस सर को पिकअप करना है एंड यू हैव टू गो फॉर डिनर। तो जाते हैं एंड विजय भाई का मिलते हैं नीचे ही। वो क्या कर ले रहे हैं, चाबी वॉलेट और घड़ी। अपने लोग इतनी बड़ी ना, यहाँ पे लिफ्ट है और घड़ी में वहाँ पे अपने रूम है। बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा भाई ये ना। अभी तो हमने आगे गाड़ी में बैठने गए, विश्व में आए थे बाहर खड़े थे वो, एक्चुअली बारिश हुई थी ना तो हम ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाए और मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया था। बट हम लोग रात को मिलने वाले हैं, ऐसे हम लोग प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कि एक तो मेरे क्लाइंट क्या है, मतलब उनका क्या शेड्यूल है। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। फिलहाल तो चालू हो गया मैप और डाल देता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, बिकॉज मुझे ना बीच में एक जगह पे टायर में हवा भी चेक करवाना है। मैंने एक शॉप देखी थी तो वहाँ पे अपने को पुरुष नहीं भाई, ये तो मेरा जगह है ये। हाँ तो मेरे को वहाँ पे टायर में नाइट्रोजन भी डालना है तो निकलते हैं यहाँ से। रिक्शा का स्टीयरिंग एक हाथ से घुमाना पॉसिबल ही नहीं है भाई, अब मैं तो इतना पतला पतला इंसान हूँ यार, कैसे घुमाऊँ। थोड़ा सा रैम किया था मेरे पे। मैं हमेशा भाई ऐसे प्लान कर रहे थे कि आज रात को मिलते हैं कुछ भी करके, क्योंकि क्या है कल मेरा क्या स्कूल से के साथ आ रहा हूँ, कल कहाँ जाने वाले, कितना टाइम जाने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। बट कोशिश करेंगे आज मिलने के लिए। बट ऋषभ ऐसा बोल रहे थे कि आप है ना आज ज़्यादा वो मत करना कि मेरे को मिलना ही मिलना है, बिकॉज अगर बारिश यहाँ पे जोर से होती है ना भाई तो 2 घंटे में ना बड़ौदा में फ्लड आ जाते हैं, तो बड़ौदा की ऐसी हालत है। तो मैंने बोला देखो अगर फ्लड आ जाते हैं ना भाई तो मुझे मगरमच्छ देखना है, बिकॉज मैंने हमेशा सुना है और हमेशा से वीडियोज देखे हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती ना तो बड़ौदा में जब फ्लड होते ना तो यहाँ पे मगरमच्छ आते कहीं ना कहीं से। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। बट ऐसे भी है कि फ्लड्स मतलब वो बोलते ना वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए हर जगह पे, बिकॉज मेरे को नहीं बहुत लोगों को दिक्कत होगी लाइफ में भाई। बड़ौदा के अंदर भी कभी ट्रैफिक होता है मैं पहली बार सुना है भाई, मतलब पहली बार देखा है। आज ये जंक्शन पे है, अभी शायद वो सिग्नल बंद हो गया है इसीलिए ऐसा हो रहा है या क्या पता। यहाँ पे राइट साइड पे ना मैंने एक शॉप देखी थी यार, वो दिख नहीं रही, पता नहीं वो मैंने मिस आउट कर दी, आगे चली गई पीछे से, मतलब आगे है या पीछे चली गई समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे मतलब इतना कुछ हवा कम नहीं हुआ मैंने अभी ये चलो चाहते हैं एंड हवा एक कर लेते 35-36। फिलहाल है ना टोटल ने रिकमेंड किया कि पीछे आगे अकेडमी को बैठा है तो 36 रखो, तो आपको अगर वो पढ़ना है ना तो गाड़ी के उस तरफ जरूर करना होता है ना, आपको दिखाता हूँ तो फिर यहाँ पर 36 कवर कर लेते हैं अपन। तो दोनों टायर में क्योंकि सामान है, सामान तो पीछे निकल गया तो भी ऐसा कार तो खड़ा हुआ लगता है। देखो फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट 36 हो गया है और पीछे का 36 हो गया है, ये ऐसा शो नहीं है तो इसका शो का तो ये 36 हो जाएगा 44 सेकेंड को। देखो अभी दिखा रहा 37 फ्रंट लेफ्ट पर भी 37 दिखा रहा था, वो 36 ऑटोमेटिक हो गया, ये भी 36 हो जाएगा फिर। एक्चुअली सर ने कहा कि खाना ये पे खाते हैं और जैसा ये गया ओनली, तो हम लोग अभी यही पे खाना खाएंगे। ज़्यादा वैराइटीज भाई बहुत ज़्यादा है, बस ये भी क्या खाऊँ मैं यहाँ पे। सो फाइनली अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ एंड गाड़ी वाले पार्किंग में। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा है ना वीडियोज़ बराबर नहीं शूट हो रहे यार, कुछ तो इशूज आ रहे, मतलब आई डोंट नो व्हाई समथिंग इज नॉट राइट भाई। अभी मैंने जैसे विशाल भाई से बात किया एंड विशाल भाई एक्चुअली एकदम सोने की तैयारी थी, तो मैंने उनको बोला कि काम करो मैं कल मिलते हैं, बिकॉज कल से भी मैं यहीं पे हूँ बड़ौदा में तो कल हम मिल सकते हैं एंड कल रात को तो पक्का हम लोग डिनर के लिए जाएगी जाएगा, बिकॉज क्लाइंट एक्चुअली कल हमारी मीटिंग है ना सुबह दोपहर को ही है तो शाम तक तो हम लोग फ्री हो जाएंगे, तो दोपहर को या शाम को या रात को, हाँ शाम को ऑफिस से छूटेंगे विशाल भाई, उनका ऑफिस मेरे होटल से बहुत बाजू में है और फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे एंड विल गो फॉर अ ड्राइव एंड देखते भाई। बड़ौदा में भी बहुत सारे जॉइंट्स ओपन हो चुके हैं भाई, बहुत सारे, मतलब मैंने
इतना सारे जॉइंट्स, इतनी सारी होटल्स, इतने सारे शोरूम्स मैंने नहीं देखा था यहाँ पे। बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलप। अभी आ गया अपना होटल। अच्छा मुझे एक और चीज़ बतानी थी भाई ये व्लॉग के जरिए। देखो अभी हम जो होटल में अभी जा रहे रहने के लिए ना, लोगों को लग रहा है मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे हैं क्योंकि मैंने स्टोरी डाला था कि अभी मैं 2 दिन यहाँ पे हूँ, तो उनको लगता है कि ये सारा होटल का खर्चा मैं खुद उठा रहा हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, ये क्लाइंट उठा रहा है। बिकॉज क्लाइंट की तरफ से ही ये किया गया है, मैंने अपना तरफ से कुछ किया नहीं है, तो सारा जो है वो कंपनी उठा रही है खर्चा, अपन नहीं। अपना रूम देखो एकदम लास्ट में है, 122 है शायद ना, 122 है राइट। तो चलो अभी आज के वो हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड फिलहाल तो मैं आज एडिटिंग नहीं करूँगा, टाइम है मेरे पास, बट मुझे और भी थोड़ा बिल्कुल काम है, तो वो सब करने के बाद मैं सो जाऊँगा, एंड कल मैं बैठ के ब्लॉग एडिट करूँगा अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर वो भी नहीं और पोस्टपोन होगा ये। तो चलो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको मेरा आज के वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल दैट टाइम पीस।